इंतजार, उसका अपना ही मजा है। आजकल के जमाने में शायद कम होगा, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब जल्दी आ जाता है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। ट्रेन में सफर कर रहे थे, बहुत लंबी जर्नी थी। साथ में हमारे एक ओल्ड कपल था, उम्र ज़्यादा होगी, अपने नातिन के साथ घूमने जा रहे थे। दोनों की आपस में नोकझोंक चले जा रही थी, बिना हंसे रहा नहीं गया। बातों बातों में आंटी ने हमें चाय पिलाई, नाश्ता भी कराया और अपनी प्रेम कहानी भी सुनाई। 1965 में उनकी शादी तय हुई थी और शादी हुई 1972 में। ये 7 साल का इंतज़ार दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए मुश्किल था, फिर भी उस ज़माने में किया। इस बीच फ़ोन नहीं कर सकते थे, घर में कौन फ़ोन उठा लेगा। चिट्ठी नहीं लिख सकते थे, पता नहीं कौन चिट्ठी पढ़ लेगा। वही अपनी इंतज़ार की कहानी आंटी सुनाती रहीं और हम सुनते रहे। बाद में सोचा वो भी क्या ज़माना था, उसका भी अपना मज़ा रहा होगा। उसी को सोच के कुछ लिखा है। वेलकम टू माई चैनल लियाना, रोमांसिंग लाइफ इन द क्वेस्ट ऑफ लाइट। रात को सुस्ताई उंगलियों से जब बिस्तर टटोलोगे, हो शायद कुछ सूखे फूल की पंखुड़ियां बटोरोगे। जो कुछ और ना आए हाथों में, पंखुड़ियों की एक माला पिरो देना। उसकी मशक की ध्वनि में कुछ सपने संजो लेना। गजरे ने किसके ये फूल झड़काए हैं, सपनों के आंगन में पायल किसने छनकाए हैं। सूर्य की उजली रोशनी में ये सवाल जरूर पूछ लेना, और जवाब ना मिले तो दिल पे हुई दस्तक से करार ले लेना। शाम ना हुई तो छांव तले सर छेक लेना, उसके पल्लू की छांव का आनंद मिले तो उससे उसका नाम जरूर पूछ लेना।